हेलो दोस्तों, आपका इस नए वीडियो में फिर से स्वागत है। तो बेटी यूपी के लिए एक लेटेस्ट न्यूज आया है, ठीक है, हिंदुस्तान पेपर में आया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो यूपी पॉलिटेक्निक से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, ठीक है, यूपी से पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत बड़ा न्यूज है निकल के आया है कि अब जो सेमेस्टर परीक्षा होगा वो ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा। क्योंकि पिछले साल जो कोरोना के कारण से जो एग्ज़ाम हुआ, सेमेस्टर जो एग्ज़ाम हुआ, वो कैसा हुआ आपका, ऑनलाइन मोड में कराया गया है। फिर भी उसमें बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी प्रॉब्लम आई बोर्ड को एग्ज़ाम कराने में, ठीक है। तो इसलिए अब से जो पॉलिटेक्निक की परीक्षाएँ होगी वो ऑफलाइन मोड में ही कराई जाएंगी, ठीक है। क्यों कराई जाएंगी ऑफलाइन मोड में, इसके लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुका है, लेटेस्ट न्यूज आ चुका है, ठीक है। बीटी यूपी के लिए लेटेस्ट न्यूज आ चुका है हिंदुस्तान पेपर में, तो इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे, लाइव प्रूफ देखेंगे कि कैसे कैसे हुआ है, क्या चीज़ कैसे हुआ है, क्यों ऑफलाइन ही कराया जा रहा है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, अपने एग्ज़ाम की बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, ठीक है। प्रिपरेशन बहुत अच्छी रखें, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया, चलिए देखते हैं लेटेस्ट अपडेट में क्या है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका हिंदुस्तान पेपर का एक न्यूज निकल के आया है, यहाँ पे देखेंगे तो साफ साफ शब्दों में लिखा गया है, पॉलिटेक्निक परीक्षाएँ अब ऑफलाइन कराई जाएंगी, ठीक है। जो बीटी यूपी है या फिर यूपी बीटीई है, उसके जो चेयरमैन हैं उन्होंने साफ सीधे सीधे शब्दों में कह दिया है कि बीटी यूपी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट होगा, ऑफलाइन मोड में ही उनका एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो ऑनलाइन मोड में बहुत सारी प्रॉब्लम आए थे एग्ज़ाम देने में स्टूडेंट्स को, इसलिए अब सारे एग्ज़ाम जो होंगे बीटी यूपी के, सेमेस्टर जो एग्ज़ाम होगा या फिर जो एनुअल एग्ज़ाम होगा, ये सारे एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं जो न्यूज़ निकल के आया है आपका 23/10 को निकल के आया है, ठीक है। 23 अक्टूबर को न्यूज़ निकल के आया है, आज का डेट है 24 अक्टूबर। 24 अक्टूबर के वीडियो बनाया जा रहा है, सबसे पहले आपको बताया जा रहा है कि आप जो एग्ज़ाम होंगे आपके वो ऑफलाइन मोड में ही होंगे। तो चलिए देखते हैं न्यूज़ में क्या क्या लिखा गया है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें बताई गई हैं आप सबके लिए, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में क्या क्या लिखा गया है, उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद के चेयरमैन विद्यासागर गुप्ता ने शनिवार को अगले वर्ष से पॉलिटेक्निक परीक्षाएं ऑफलाइन कराने की घोषणा की है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं सीधे सीधे शब्दों में लिखा गया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इसके साथ ही परिषद के कार्यों में यूराइज पोर्टल के हस्तक्षेप को खत्म करने की बात कही गई है। तो आपका एग्ज़ाम जब ऑनलाइन हुआ था तो देखेंगे उसमें कई सारे प्रॉब्लम आए थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को उसका सामना करना पड़ा था, इसलिए जो यूराइज पोर्टल है उसको जो हस्तक्षेप है उसको बहुत कम कर दिया जाएगा, ठीक है। बहुत कम उसका वैल्यू रह जाएगा, क्योंकि अब जो भी आपका एग्ज़ाम होगा, सेमेस्टर एग्ज़ाम होगा, वो ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट कराए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्या है न्यूज़ में, विद्यासागर गुप्ता ने कहा कि बोर्ड की 18वीं बैठक 30 दिसंबर को हुई थी, जिसमें सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया था कि परिषद में यूराइज के हस्तक्षेप को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। यूराइज जो आपका वेबसाइट है जो यूपी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट्स के लिए है, उसका जो हस्तक्षेप है उसको बहुत कम कर दिया जाएगा, उसकी वैल्यू को बहुत कम कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आपके जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा वो ऑफलाइन मोड में ही कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा गया है, चेयरमैन ने कहा कि यूराइज पोर्टल अब अक्सर ख़राब रहता है, ठीक है। यूराइज पोर्टल देखते हैं तो हमेशा बिजी रहता है या फिर वेबसाइट अच्छे से काम नहीं करता है, तो यहाँ पे देखेंगे इसलिए इसके हस्तक्षेप को कम किया जा रहा है यूराइज पोर्टल के, ठीक है। छात्रों का पंजीकरण फेल होने पर पंजीकरण के छात्रों को, ठीक है, जो भी इसमें रजिस्टर्ड छात्र हैं को परीक्षा में शामिल किया गया, ठीक है। इसके साथ ही चेयरमैन ने कहा कि पॉलिटेक्निक की परीक्षाएं भी ऑफलाइन मोड में कराई जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही सीधे शब्दों में जो चेयरमैन है यूपी बीटी के, उन्होंने बता दिया है कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कैसा होगा, ऑफलाइन होगा, ठीक है। तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत अच्छे से आप लोग अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, ठीक है। तो यही था बीटी यूपी के स्टूडेंट्स के लिए लेटेस्ट न्यूज़। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई भी बीटी यूपी की तरफ से लेटेस्ट अपडेट आता है या फिर न्यूज आता है तो सबसे पहले आपको नोटिफाई किया जाएगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।